तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का IBPS मास्टरी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के सेशन में मैं 35 क्वेश्चंस लूँगा सिंप्लीफिकेशन के और कोशिश करूँगा 20 मिनट में सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा ये स्पीड में करूँगा, आपको बस प्रोसेस को देखते चलना होगा। रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट के समय तक इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1330 टू द पावर 1/3 यानी सीधे 11 आया। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 11 टेंजा 1110 और उसमें 12 ऐड किए, ये हो गया आपका 11 टू द 22, ये हुआ आपका 132। ना 400 का 62.5% अगर मैं बोलूँ, 400 का 62.5% 62/1000 अगर आप करते हो, 00 कैंसिल हो गया, 2 2 4 तो 5 सा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 250 यानी ये हुआ 382। यहाँ देखिए ये 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, उसका स्क्वायर है 7 to the power 6 इंटू 1/6 यानी ये 7 आया और ये 7 स्क्वायर यानी 343 आया। 382 माइनस 343 करोगे 39 आएगा, सीधे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 60% ऑफ 1540 यानी 60, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 1540। अगर आप ऐसे करोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन है सीधे मल्टीप्लाई करो 154 इंटू 6, तो 154 इंटू 6 करते हो यानी 15 6 90 एंड 6 4 24 यानी दिस इज 924 एंड 37.5% ऑफ 96। अगर आप परसेंटेज को डबल कर लो 75% ऑफ 48 यानी 48 to the power 3/4 ये सीधे आ जाएगा 36 यानी 924 और 36 अगर आप करते हो ये होगा 960 और उसमें 1 ऐड किए 961, ये किसका स्क्वायर है 31 का है। मूव करेंगे नेक्स्ट पे, अगेन 67 एंड प्लस 3 ये हो गया 70 आपका। यहाँ से यहाँ देखिए 52 और प्लस 64 दिस इज़ इक्वल टू 426, 116 माइनस 70 करोगे दिस इज 46। मूव करेंगे नेक्स्ट पे, चलिए ये प्रोसेस को देखते हैं। 5 एंड ये कितना हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखना 5 का स्क्वायर मैं बाहर की ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, 9 to the power 1/6 यानी ये हो गया 3/2 यानी 5 का स्क्वायर कट गया, 5 का पावर क्यूब यानी 125 हो गया। 125 प्लस 22% ऑफ 450 कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। 450 का 22%, 450 का 20%, 450 का 10% 45 और 20% 90 यानी 909 यानी 909 909, ये चीज़ आप याद रखना, सॉरी 45 का डबल किए, एक बार फिर से देखिए 450 का 10% 45 डबल किए 90 और 2% 9 यानी 99। 125 में अगर आपने 99 ऐड करते हो तो कहीं 224 के आसपास होगा। इधर देखो 3 × 2 6 का पावर क्यूब यानी 218, हमने अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, यहाँ पे डिफरेंस 6 आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन 8 है, मार्क किया, आगे बढ़े। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे आप सीधे देखिए 90% ऑफ 2000 यानी ये हो गया 1800 प्लस 5 × 80 यानी ये हो गया 400, दिस विल इक्वल टू 2200, ये 130 × 20 यानी 130 × 20 यानी 2600। अब बचा कितना 400 किसका स्क्वायर है 20 का है। आपको स्पीड में सॉल्व करना होगा दोस्तों, यू हैव टू सॉल्व वेरी फास्ट। यहाँ पे देखिए 1590 डिवाइड बाय 3 कर लो आप, तो देख लो 3 5 15 530 हो गया। यहाँ पे ये पार्ट से मुझे मिला 530, यहाँ पे क्या है x प्लस करना है, प्लस यानी x बाय 100 ऑफ 140 आप रखो सिंपल, यानी आप इसे याद रखो सिंपल वे से आप इसे 7x/5 रखो। अब यहाँ देखो 180 × 8 1440 माइनस यहाँ पे मुझे आया था 530, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ 530 को तो कितना हो रहा है 0 1 9 1 10 × 5/7 दिस विल इक्वल टू 13 13 5 65, दैट इज 650 इज़ द राइट आंसर। क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ, 9 1 10 जो है ये इक्वल था 7x/5 के, 5 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, सीधे आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो। अगेन प्रोसीड करते हैं 20, ये 20 स्क्वायर 400 माइनस 27 स्क्वायर, तो आप देख लो 27 का स्क्वायर कितना होता है। सबसे पहले आपको जल्दी उस चीज़ों को याद रखना होगा, तो आप इसको कैसे बनाओगे जल्दी अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। ए प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, यानी ये क्लियर कट माइनस में आएगा ए प्लस बी यानी 20 प्लस 27 47 इंटू 7 7 7 49 कैरी 4 7 4 28 एंड 4 32 329 माइनस में आएगा, ये क्लियर है।
यहाँ देखिए 1400 प्लस 60 यानी 1460 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 39 और ये आपने माइनस में इधर लाए 329 को अगर आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 8325 यानी 368। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस विल इक्वल टू नथिंग बट, आप इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे दोस्तों, आप इसे पेशेंसली एकदम स्पीड में सॉल्व करोगे। आपको मैं फिर से एक बार क्लियर कट बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमने एक गलती कर दी दोस्तों, हमने बॉडमा सप्लाई करने में यहाँ पे गलती कर दी थी, हमें एक बार फिर से देखना होगा। तो ये देखिए ये 20 स्क्वायर दैट इज़ 400 सॉरी फॉर दैट, और ये 27 स्क्वायर 27 का स्क्वायर अगर आप करते हो 7 7 ज़ा 49 कैरी 4 एंड 7 2 ज़ा 14 4 18 एंड दिस इज 54 9 8 4 12 5 1 6 1 7 यानी 729। यहाँ से मुझे आया 729 प्लस 4 माइनस 400 करोगे तो माइनस 329 प्लस देखता हूँ मैं ये 1400 प्लस 60 यानी प्लस 1460 329 को आप सीधे 330 ले लो, माइनस 330 प्लस 1460 अगर आप माइनस करते हो ये 30 दैट इज़ 1130 बाय एक्स इज इक्वल टू 39। तो अब आप मुझे बताओ 39 का क्या रेशियो है, अगर आपको नहीं समझ रहा है यहाँ पे आप सिंपल ऐसे भी ले सकते हो 1130 बाय एक्स इज इक्वल टू 40, बाद में अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे 4 2 8 3 3 4 8 28 से थोड़ा सा ज़्यादा 29 विल बी द राइट आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, अगेन देखिए 22% ऑफ 900 का 10% 900 2% 180 सॉरी 900 का 10% 90 2% 20% 180 और 2% अगर आपने 18 की ये हो गया 198। यहाँ पे प्लस x है, अब इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ 40% ऑफ 3110 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 यानी 124 198 और 124 को अगर मैं ऐड करता हूँ 8 4 12 9 2 11 and 1 12 1 1 2 and 1 3 322 और 481 में से अगर मैं 322 को माइनस करूँगा 11 माइनस 2 9 7 माइनस 2 59 और ये हो गया मेरा 159 यहाँ है ऑप्शन। तो आगे प्रोसीड करेंगे, ये क्वेश्चन मिस है, ये क्वेश्चन पे प्रोसीड करते देखिए 114 माइनस 24 इंटू 5 यानी ये हो गया 114 और ये माइनस करोगे 120 यानी माइनस 6 इसे आप लाओगे इधर 169 ये सीधा है 13 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं 420 और ये मैंने किया 45% ऑफ 800 यानी 45 ऑफ 800 अगर मैं करता हूँ 8 5 ज़ा 40 8 4 ज़ा 32 एंड 436 360 आया, प्लस 220 किया यानी 36 और प्लस 220 किया यानी 480 आ गया और इसमें 420 को ऐड किया हूँ तो ये सिंपल हो गया 900 और यहाँ पे मैं देखता हूँ 13 इंटू 5 50 यानी 650 यानी मुझे यहाँ से मिलेगा 950 अगर मैं करूँगा तो दिस विल बी 250 सो 250 इज़ द राइट आंसर। अगेन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, ध्यान से मैं आपको बता दूँ कैसे स्टार्ट करेंगे 256 यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। 256 क्या होता है तो 2 रेज़ टू 4 याद रखो 2 4 8 16 32 64 128 and 256 यानी 2 रेज़ टू 8 यहाँ आया 2 रेज़ टू 8 इंटू 2 रेज़ टू 8 और डिवाइड है यानी आप सीधे कैसे, अब देखो डिवाइड है तो यही रहने दो यानी मल्टीप्लाइड बाय भी आप कर सकते हो 2 रेज़ टू 3 और इंटू ये 5 है तो कर लो और इंटू 2 रेज़ टू 5 32 होता, आप देख लो 8 कितना हुआ 16 एंड ये मल्टीप्लाई में 5 यानी 21 यानी 2 रेज़ टू 4 अभी तक 21 हो गया। नीचे क्या है 5 3 ज़ा 15 है, माइनस करोगे तो 2 रेज़ टू 6 बचा 2 रेज़ टू 6 यानी 34 विल बी द राइट आंसर। आगे प्रोसीड करेंगे, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 369 है तो सबसे पहले आप जैसे देखोगे 41 इंटू 369 तो मैं आपको बताता हूँ 4 9 ज़ा 36 1 9 ज़ा 9 यानी 369 ये 9 टाइम है यानी ये इक्वेशन को आप लिख सकते हो इस पार्ट को 41 इंटू 9। अब 9 को आप कैसे लिखोगे 3 इंटू 3
अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों में से एक आएगा, यानी 41 इंटू थ्री लो, 3 1 3, 3 4 12, 123 इज़ द राइट आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट पे दोस्तों, कम ऑन जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए 240, 170, 130 मैं करता हूँ 300 एंड 245, यानी 545 माइनस करूँगा 250 को, तो आप देख लीजिए सिंपल सा बात है, लगभग 300 के आसपास आंसर आएगा, 296। मूव करेंगे नेक्स्ट पे, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, अभी हमने सॉल्व कर चुके थे इस क्वेश्चन को, जस्ट पीछे ही इस सेशन में सॉल्व किए थे, आप इसे एक बार ओवरलुक कर लेना। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, 22% ऑफ 899, यानी अगर मैं बोलता हूँ 22% ऑफ 900, यानी 900 का 20% 180 एंड 2% 18, दिस इज 198। और यहाँ मैं आता हूँ 40% ऑफ 310, यानी 4 1 4, 4 3 12, 124। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ 8 4 12, 9 2 11 एंड 112, 113, और मुझे माइनस करना है 481 में से, दिस विल 9, दिस विल 7 - 2 5, यानी 159 इज़ द राइट आंसर। सो आगे प्रोसीड करेंगे, कम ऑन देखते हैं क्वेश्चन। 10% ऑफ 650, यानी 65 प्लस 32.1 इंटू दिस बाय दिस, अब यहाँ पे बॉडमास आपको अप्लाई करना है, ये देख लो 280 2800 बाई 400, यानी ये हो जाएगा 7 × 32 कर लो, 7 2 14, 7 3 21 एंड 124, 244 और 65 को आपको ऐड करना है 9 6 4 10, 309 माइनस आपको करना है 155, यानी सिंपल बात है, माइनस 9 अगर आप करते हो 155 को 4 और 10 - 5 5, यानी 154 आ रहा है, तो आपके पास क्लोजेस्ट ऑप्शन है 151, मार्क किए और आगे निकले। कमन इस क्वेश्चन को भी देखते हैं दोस्तों, 25 का ये हो गया 120, जब यहाँ से अगर आप देखते हो प्लस 160 है, माइनस 120 है, प्लस 114 करते हो माइनस 6 आएगा, ये माइनस 6 इधर लाए, 169 हुआ, ये हुआ 13 का स्क्वायर। आगे प्रोसीड करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए कमॉन ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, इसका 250 आंसर आया था, सॉरी फॉर दैट, कुछ क्वेश्चन कॉमन है यहाँ पे, ये हमने भी क्वेश्चन कर लिए थे, 64 आया था। ये क्वेश्चंस को देखते हैं, चलिए 103% ऑफ 6401, 6401 का 100% हो गया 6400, और इसका 3% मुझे निकालना है, यानी 64 × 3, अगर मैं 1% लूँगा 64 होगा, 3 4 12, 3 6 18 एंड 119, यानी 192 कर लो, अब देख लो 295, यानी 6592। अब आगे आपको क्या करना, माइनस 3/7%, देखो 3/7% है तो डिवाइड बाय 100 × 6300, 00 कैंसिल हो गया, 7 9 9 3 27, माइनस में है आप इसे माइनस कर लो, 12 माइनस अगर आप करते हो 5 आएगा, यहाँ पे 8 - 2 यानी 6, यानी 6565, और यहाँ पे प्लस 11 करोगे तो 6576 आएगा, 6577, यर इज़ द राइट आंसर। तो मूव करेंगे आगे क्वेश्चंस पे, कम ऑन जल्दी देखते हैं, 24 × 14, मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ, 24 10 240, 24 4 96, 6 9 4 13, 336 माइनस करूँगा 8 × 6, यानी 48 मैं माइनस करता हूँ, 16 - 8 8, नाउ 12 - 4 8, यानी 288 के आसपास आंसर है, राइट आंसर है। तो आगे प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, स्पीड में हम देखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न है, यहाँ आप 11 का स्क्वायर दैट इज़ 121 कर लो, ये पार्ट आप रहने दो, माइनस ऐसा है एक्स माइनस 9 है ये, और 120 और ये 8 है, अगर आप इसे करते हो तो ये हो जाएगा 129 और इसे आप इस साइड लाओगे तो होगा माइनस 9। अब मुझे बताओ माइनस एक्स और ये हो जाएगा, अगर आप माइनस हटाते हो प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9, अगर आप इसे लाओगे तो एक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी। तो आप इसी क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 × 3 दैट इज़ 42 प्लस 200 242, आपको बनाना भी नहीं है क्वेश्चन को। आगे प्रोसीड करते दोस्तों,
198.99, अगर मैं इसे बोलता हूँ तो 200 प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 यानी 456 का 6% मुझे निकालना है, 456 का 6%। अब मैं इसे कैसे निकालूंगा 456 का 6%, ये बहुत ही एक बोला जाए तो मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ईजिली कैसे निकालोगे। 450 इसे ले लो का 6% निकालना होगा, 1% होगा 4.5, इसका 6 निकाल लो, 6 5 जो 33, 6 4 जो 24 एंड 327 डायरेक्ट आप आंसर लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, 1.96 माइनस दिस करोगे प्लस व्हाट इज इक्वल टू जीरो, यानी आपको सीधे साधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसे एलसीएम लेने की कोशिश करो। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं देखूँ 394 अगर मैं 4 करता हूँ तो कितना आता है मुझे बताओ। तो देखिए यहाँ पे आप इसे कैसे बनाओगे, आपको एकदम एग्जैक्टली आंसर बताता हूँ कैसे। 394 अगर आप 4 करते हो, 4 4 जो 16, 4 9 जो 36 एंड 1 37, 4 3 जो 12 एंड 2 14 यानी 1 4 7 6 1 4 7 6 यानी नियर अबाउट देखा जाए तो ये जो है 4 टाइम है, यानी ये 1/1.96 माइनस 1/3.94 कर लो। अगर आप एलसीएम लेते हो 14.96 तो ये 1 - 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें इसे x लेना होगा। तो अगर देखा जाए बहुत आप इसे अच्छे से क्वेश्चंस को बताओ, आपको बताता हूँ इसमें ट्रायल एरर मेथड से कैसे आप इसे बनाओगे। तो देखिए एक बार फिर से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर आपको x लेना है, यानी अगर आप नीचे लिए एलसीएम 1496 एक्स ले लिए तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, x आएगा, यहाँ क्या आएगा 4x आएगा और यहाँ क्या आएगा 14 + 14.96 = 0। ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, -3 = 1496 यानी देखा जाए तो 3 5 15 यानी सीधे आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको कोई कोई क्वेश्चंस को बीच में आप फंसते हुए दिखोगे, बस आपको पेशेंसली उसे होल्ड ऑन करके रखना है। देखिए 6 स्क्वायर 36 माइनस अगर आप 121 करते हो 11, अगर आप 11 माइनस करते हो ये हो गया 25 प्लस 12 करते हो 37 हमारे पास है ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे अगेन। देखिए 12 6 78 यहाँ पे आप देखो 9 × 49 किया गया, 9 × 49 अगर आप करते हो 49 × 9 9 9 = 81 कैरी 8 9 4 = 36 एंड 4 यानी 441 यहाँ पे 78 आया था। अच्छा देखिए हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, फिर से उसके लिए सॉरी मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया कि मैं आपको इक्वेशन को बताता हूँ 3/x प्लस आप ये पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, ये पार्ट कितना है 49 × 9 9 9 = 81 9 4 = 36 एंड 41 यानी ये हो गया 441 = 12 × अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न था 6/x है, 6/x एंड ये हो जाएगा 12 × 6 यानी 72/x है ना = 3/x प्लस 1 441। अब देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, 3/x अगर मैं इसे लेता हूँ तो ये कैसे हमें इसे सॉल्व करना होगा। आपको इसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए अगर आपने एक्स को एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये बच जाएगा 441x इज इक्वल टू 72/x तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 72 - 3 करोगे 69 हो गया और 441x इज इक्वल टू 69 यानी अगर देखा जाए तो x की वैल्यू होगी 69/441। आप देख लो 1/6 के आसपास है ये 1/6 हमारा, यहाँ पे क्यों 1/6 क्योंकि ये 70 के आसपास है। अगर आप इसने 440 भी लेते हो तो 7 6 = 42 यानी 1/6 के आसपास था। तो आपको क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करना होगा चीज़ों को। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, हम देखते हैं इसको 420/70 यानी यहाँ से मुझे 6 आया और प्लस 110 किए तो यानी 660 हो गया। अब यहाँ देखते हैं प्लस 500 माइनस 40 तो 660 में से माइनस 40 किए तो 620 हो गया प्लस 500 किए यानी 1120 इज इक्वल टू एक्स बाय 100 ऑफ 5600 यानी 56। 1120 बाय अगर आप 56 करते हो क्या आएगा, सिंपल सा बात है ये 20 टाइम्स है, 20 इज़ द राइट आंसर। मूव करेंगे आगे क्वेश्चंस पे, चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें क्या है। हमने ये क्वेश्चंस को बना लिए थे, इस क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, यहाँ पे आंसर 961 आया था, आप इसे चेक कर लेना पीछे सॉल्व किए थे।
अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूँ। 75 स्क्वायर, अगर मुझे 75 स्क्वायर निकालना होगा तो 5 5 25 7 8 56 5 625, माइनस अगर मैं करता हूँ 625, माइनस करता हूँ 900। तो ये देखिए कैसे मैं माइनस करूँगा, आपको दो तरीके, या तो आप इसे ऐड कर लो तो 9 6 15 1 5 2 5 आपको करना होगा माइनस 1 5 2 5 9 6 15 9 और 100 और 625, यानी कितना होगा 1 5 2 5 हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा कि 5 6 2 5 में से आप 1 5 2 5 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 0 0 1 4 1 0 0 4 1 0 0। अगर आपको जैसे आया 4 0 9 6 इज़ नथिंग बट 16 इज़ क्यू, तो यहाँ पे सीधे आपको आंसर याद रखना होगा 4 1 0 0। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी दोस्तों। चलिए यहाँ पे प्रोसीड करते मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। 32 बाई 510, आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको पहले बताता हूँ। ये हो गया 512 ले लो बाय 32 ले लो, यहाँ पे देखो 64 ले लो और 128 ले लो, इनटू ले लो 8, 8 4 जा 32, ये हो गया 2 टाइम, 2 2 जा 2, और ये हो गया 32, यानी ये क्या हुआ 32। अब आपसे पूछा है 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32, यहाँ पूछा है व्हाट, तो 3 प्लस 2 5, 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे शायद मुझे इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ दिख रही हैं। देखिए 550 का 24%, अगर मुझे याद करना होगा 550 का 24% तो 24 × 55 देख लो, 24 × 55 अगर आप करते हो तो 24 5 120, कैरी 12 एंड 12 एंड 120, ये हो गया 132, 1320 है। यहाँ देखता हूँ मैं 90% ऑफ 910, तो अगेन देखिए 90% ऑफ 910, तो 90% ऑफ 908 10, और 10 का 90% हो गया 9, यानी ये आ गया 819। अगर आप इसे ऐड करते हो तो 9 3 8 3 11, यानी 2 1 3 9 में से माइनस करना है 251। ये शायद से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, तो आप इसे चेक कर रहे हैं ना, इसका ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमने अभी 30+ क्वेश्चंस कर लिए दोस्तों, और समय आप देख लीजिए कितना हुआ। चलिए इस क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करते हैं। कमॉन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखिए 300 × x/9 ले लो, प्लस अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करते 150 × 20, यानी ये पार्ट तो सीधे सीधे 3000 हो गया। अगर आप इधर आते हो तो देखिए 420 × 30 करते हो तो 3 2 6 3 4 12, यानी 1 2 6 0, इस पार्ट को सॉल्व कर दो 350 × 40, यानी ये आएगा 1400 और 1 2 6 0, ये होगा 1400 और 1 2 6 0, यानी ये होगा 2 6 6 0, माइनस आपको करना होगा 350 को, तो अगर आपने ये 40 दे दिया तो ये होगा 2700, यानी बचा 840 इज़ इक्वल टू क्या है 300 x/9। तो अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे 300 x/9 इज़ इक्वल टू 840। तो जल्दी स्पीड में सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपको इसे करना होगा, ये होगा 28 28 × 9 कर लो, कितना आ रहा है देख लो। शायद यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, एक बार फिर से आप इसे क्रॉस चेक कर लेना, अगर आंसर राइट आ रहा होगा प्रोसेस सही होगा, नहीं तो आप इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में प्रोसेस करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सेशन में आज को आप कुछ आपको सीखने को मिला होगा नया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक।